नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आज इंटरनेशनल वेश्य फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वेश्य समाज के तमाम लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में वैश्य समाज के समाज और देश के उत्थान में योगदान की बात रखी गई। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को पूरा करेगा और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करेगा। कार्यक्रम में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर राजेंद्र अग्रवाल, यूपी सरकार में मंत्री कपिल अग्रवाल, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम जाजू भी मौजूद रहे। देखिए, ये तो उद्घाटन सत्र था वैश्य समाज का। हमारा 2 दिन कार्यकारिणी चलेगी। हमारे पूरे देश से विदेश से जो हमारे संगठन के पदाधिकारी ऑफिस बेयरर्स वो आए हैं, करीब 500 ऑफिस बेयरर्स यहाँ पर हैं जिनके साथ बैठ गई। तो इनॉग्रल सेशन था जिसमें माननीय पीयूष जी ने एज ए चीफ गेस्ट आए और उनको हमारा मार्गदर्शन करा कैसे समाज आगे बढ़ सकता है, कैसे समाज में एकता होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, सब बात उन्होंने बड़ी गंभीरता से समझाई। और आज हमारी सफलता ये रही कि 50 से ज़्यादा घटक, वह समाज 350 घटकों में बटा हुआ है, आज 50 से ज़्यादा घटकों के अध्यक्षों की उपस्थिति यहाँ रही। ये दर्शाता है कि सारे घटक अलग अलग एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और ये हमारी उपलब्धि रहेगी। हम 300 घटकों को जिस दिन एक साथ बिठा लेंगे, वह समाज जरूर एक ताकत बन के आएगा और देश में अपना पूरा योगदान देगा। राजनीतिक तौर पर देखा जाए आज की इस बैठक को तो कैसे देखते हैं 2024 चुनाव में, क्या सरकार किस तरह से? बेसिकली ये हमारा IVF में नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके बात नहीं करते हैं, पर हमारे समाज के वरिष्ठ लोग जरूर अलग अलग हाई पॉलिटिकल पोस्ट में हैं गए हुए, जैसे आपके हरियाणा के अभी जो उड़ीसा के गवर्नर साहब हैं वो हमारे उपाध्यक्ष थे, यहाँ पर गंगाराम जी चौरसी है जो बने वो हमारे उपाध्यक्ष थे बिहार में, ऐसे हमारे जुड़े हुए हैं, पर हम कोई किसी एक पार्टी को प्रमोट नहीं करते। आज देखिए, आज इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य है कि हम 25 करोड़ वैश्य समाज के अंदर हम 140 करोड़ की जनसंख्या, 25 करोड़ हम वैसे हैं, इसको एक प्लेटफार्म के ऊपर कैसे इकट्ठा किया जाए और देश की प्रगति कैसे हो, यही 2 मुख्य उद्देश्य थे। आज हमारा देश 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गया है और हमारा देश बहुत जल्द, हम कोशिश कर रहे हैं सभी व्यापारी वर्ग मिलकर, सभी समाज के सभी व्यक्ति मिलकर, कि हमारा 3रे पायदान के ऊपर बहुत जल्द आएगा और जब हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे तो हम वर्ल्ड के नंबर 1 हम होंगे। वर्ल्ड में नंबर 1 जो होगा, इंडिया का नाम होगा, यही हमारी सोच के साथ आज IVF का प्रोग्राम। क्या निर्णय लिए गए आज की समय बैठक में? सभी व्यापारी भाइयों से यही कहा गया कि सभी मिलकर काम करेंगे, सभी वैसे एक साथ मिलकर काम करेंगे, सभी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे और मिलकर काम करने से ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे पिछले 9 साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है, अगले जो 25 मिलेनियम ईयर हैं इनके अंदर और ज़्यादा तरक्की होगी। 100 साल के अंदर जब हमारी आज़ादी के 100 साल होंगे तो हमारा देश बहुत आगे होगा। राजनीतिक रूप से मेरा नाम सुभाष गुप्ता, प्रेसिडेंट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का मैं प्रेसिडेंट हूँ और इसके अंदर मैं IVF के अंदर बहुत काम करता रहता हूँ, मैं फाउंडर मेंबर हूँ IVF। सर, राजनीतिक रूप से किसको आप लोग समर्थन करने का कुछ ऐसा? देखिए, राजनीतिक रूप से हमारी कोई राजनीति नहीं होती, हम जो हमारे लिए व्यापारियों के लिए, जैसे BJP सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है तो हम BJP के पक्के समर्थक हैं और BJP काम अच्छा करेगी आगे भविष्य में। 9 साल में मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया देश के लिए, आगे और अच्छा काम होगा तो सारी जो वैसे समाज है BJP का समर्थक है, BJP का समर्थक है। देखिए शुक्र, आज यहाँ दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की 2 दिन की कार्यकारिणी सभा है जिसमें देश भर के प्रतिनिधि इस अंदर पहुँचे हैं। आदरणीय पीयूष गोयल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पहुँच, हमको भी यहाँ रहने का मौका मिला और वैश्य समाज की जिस प्रकार की भूमिका पूरे देश के अंदर, देश की प्रगति में, देश की उन्नति में, देश के विकास में, देश की GDP में
जिपकाजों की भूमिका है उसी को लेकर के चर्चा हुई। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ राष्ट्रीय धारा के साथ भी वैश्य समाज हमेशा चलता है, तो ये चर्चा यहाँ पर लगातार हुई है कि वैश्य समाज का जो भूमिका है उसका जितना योगदान उसका है उसकी सहभागिता उतनी ही राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी हो, ऐसी एक अपेक्षा सरकार से यहाँ पर हुई है, चर्चा हुई है। आदरणीय पीयूष जी ने, हमने, हम सब लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से देश के अंदर विकास की गंगा बह रही है, जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पटरी पर है, जहाँ एक तरफ बहुत सारे देश यूरोप कंट्रीज जिनकी अर्थव्यवस्था डामोडोल है, लेकिन भारत लगातार उसकी GDP लगातार बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार जितना विकास काम हो रहे हैं उन सबकी चर्चा यहाँ पर हुई है। और गर्व के साथ सब लोगों ने कहा है कि वैश्य समाज की इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका है, हमको इस बात के ऊपर गर्व है और देश की प्रगति के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।